सपने में तीर्थ यात्रा करना या सपने में किसी तीर्थ स्थल पर जाना एक बहुत ही अच्छा और शुभ सपना माना जाता है, जो कि जीवन में आने वाले अच्छे समय और सुख शांति की ओर तो संकेत करता ही है। साथ ही ये सपना जीवन में आपके हाथों जल्द ही किए जाने वाले कुछ शुभ कामों की ओर भी संकेत करता है, जिसको सपने की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से सही से समझा जा सकता है। जैसे अगर कोई सपने में खुद को किसी तीर्थ यात्रा पर चलते हुए या बीच रास्ते में देखता है, तो यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि आपको अपने कामों और प्रयासों में पूरी तरह से सफलता प्राप्त होगी, जिसके लिए आपको अपने प्रयासों को थोड़ा सा तेज कर देने की जरूरत है, तभी आप और भी ज्यादा जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। और अगर कोई सपने में खुद को किसी तीर्थ पर ही पहुंचा हुआ देखता है, तो यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि जल्द ही आपको जीवन में वह सब हासिल हो जाएगा जिसकी कामना आपने काफी समय से की थी। और अगर कोई सपने में खुद को किसी तीर्थ यात्रा से लौटते हुए देखता है, तो यह सपना भी काफी अच्छा माना जाता है और जीवन में किसी नई और अच्छी शुरुआत के होने की ओर ही संकेत करता है। और अगर कोई सपने में बार बार ही खुद को किसी खास तीर्थ यात्रा पर जाते हुए देखता है, तो यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि अगर आप किसी खास इच्छा को अपने मन में रखकर इस तीर्थ की यात्रा करने का प्लान बनाते हैं, तो आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। और अगर कोई सपने में किसी तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले खुद को किसी नदी आदि में नहाते हुए या स्नान करते हुए देखता है, तो यह सपना जीवन में चल रही हर तरह की परेशानियों के जल्द ही खत्म होने की ओर संकेत करता है। और साथ ही ये सपना जीवन में नई खुशियों और सफलताओं के मिलने की ओर भी संकेत करता है।